कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके के सुभाष नगर में प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के सिर पर हथौड़े से वार कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी और महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने महिला को जेल भेज दिया तो वहीं प्रेमी को एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। सीआई पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध संबंध में रोड़ा बनने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतक दूसरी पत्नी के साथ रहता था। पहली पत्नी के सगे भाई सुनील का उसके घर आना जाना था। मृतक अपनी दूसरी पत्नी लक्ष्मी से शराब के नशे में झगड़ा व मारपीट करता था। पहले पत्नी का भाई बीच बचाव करता था, इसी कारण दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई। मृतक गोविंद को दोनों के बीच के पनप रहे संबंधों पर शक हो गया था। ऐसे में गोविंद अपनी पत्नी से शराब पीकर लड़ाई झगड़ा कर रहा था। उसी दौरान लक्ष्मी व सुनील ने मिलकर गोविंद के सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। अभी दोनों एक्यूज को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जिसमें एक्यूज सुनील के लिए हमने पीसी के लिए निवेदन किया था, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है। लक्ष्मी वर्मा को जैसे के लिए निवेदन किया है, जिसको भी माननीय न्यायालय द्वारा सारे तथ्य जानकर उसको स्वीकार किया गया है। कितने दिन का पीसी लिया गया? अभी हमने इसका एक दिन का पीसी लिया है। सर, क्या अभी तक सामने क्या आया, किस वजह से ये हत्या की गई? ये आपस में जैसे भी आप तथ्य जो सामने आए हैं, सुनील वर्मा और लक्ष्मी, इनके आपस में रिलेशनशिप थी और उसी को लेकर इसके पति के साथ लगातार डाउट होने से अनबन चल रही थी। उसी बात को परसों रात्रि को घटनाक्रम के दौरान इनके आवेश में आकर इन्होंने उसकी हत्या कर दी। ये अभी इस साल जनवरी से, जैसा भी अनुसंधान में अब तक तथ्य सामने आए हैं कि इस साल जनवरी से इनके आपस में रिलेशनशिप थी, जिसका एहसास मृतक को हो गया था और उसी को चलते लेकर इनमें आपस में नोकझोंक होती रहती थी। बेल आइकन को